हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने आपके साथ लेफ्ट ओवर राइस के साथ कटलेट्स की रेसिपी शेयर की है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 कप लेफ्ट ओवर राइस, 3 ब्रेड के स्लाइसेस, 1 प्याज कटा हुआ और 3 हरी मिर्ची कट की हुई। हमने सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में 3 ब्रेड स्लाइसेस और आधे राइस थोड़े से पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसको हमने बाकी सारे राइस के साथ भी मिक्स कर लिया है, जिसमें हमने 2 चम्मच बेसन लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा धनिया, इसमें हमने अपने कटे हुए प्याज, हरी मिर्च भी डाल ली है और उसमें 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़े से हल्दी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ पे रब करके उसमें डाल लिया। उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों के साथ। मैंने थोड़ा सा नमक चेक किया, मेरे को कम लगा तो मैंने नमक और लाल मिर्ची थोड़ी सी और ऐड की है और उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया। फिर मैंने एक प्लेट लिया है और उसको अच्छे से ऑयल के साथ कवर कर लिया है। फिर मैंने हाथों के ऊपर तेल लगा के अच्छे से इस मिक्सचर के फ्लैट राउंड शेप के टिक्कियाँ सी बना ली हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है और इसमें हम लोग डाल देंगे हमारे कटलेट्स। इनको दोनों तरफ से गोल्डन होने तक कुक कर लेंगे अच्छे से। हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो वो बीच में से कच्चे रह जाएंगे और आसपास से बर्न हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करना मत भूलिएगा। मैंने चटनी इसके साथ सर्व किया है, हम उसको भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच टोमेटो केचप का लिया है और 1 चम्मच मेयोनीज का लिया है, जिसको अच्छे से मिक्स करके हमने हमारी सॉस भी रेडी कर ली है। ये देखिए हमारे कितने बढ़िया से कटलेट्स बनके तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। इंजॉय करिए। हैव अ गुड डे।